नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी एवं मिनर्वा अस्पताल पलवल ने संयुक्त रूप से फ्री स्वास्थ्य जांच एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके तथा जरूरतमंदों को रक्त मुहैया कराया जा सके। शिविर का शुभ आरंभ अरविंद कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पलवल ने सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता बैज लगाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। नगराधीश पलवल अंकिता अधिकारी ने सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए करते हुए जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की जन कल्याणकारी गतिविधियों की सराहना की तथा मिनर्वा अस्पताल के प्रबंधकों का इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद किया। शिविर सभी रक्तदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान किया तथा सैकड़ों लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाई। सचिव वाजिद अली ने सभी आयोजकों का धन्यवाद किया और बताया कि हर स्वस्थ युवा को 90 दिनों के अंतराल पर रक्तदान कराना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद जिंदल, सदस्य हरियाणा राज्य रेडक्रॉस रक्तदान शिविर उपसमिति ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मिनर्वा अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सुहेल जाधव, डॉक्टर विकास चौधरी, हंसराज एवं अन्य ने मुख्य अतिथि को आश्वस्त किया कि इस तरह के जनकल्याणकारी कार्यों में हमेशा सहयोगी की भूमिका निभाते रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, संरक्षक, जयश्री जिंदल, आजीवन सदस्य रेडक्रॉस, जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक मौजूद रहे। मैं ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ सारे पलवल के जो है ना वासियों के, कि ब्लड डोनेशन जो है ना कोई भी कर सकता है। हेल्दी पर्सन जिसको बोला जाता है, जो 18 वर्ष के ऊपर, 45 केजीज के वेट के ऊपर, और जिनको कोई बीमारी वगैरह जैसे हार्ट प्रॉब्लम वगैरह ना हो, वो आप कर सकते हैं उसे। जी हाँ, बिल्कुल, उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आजकल हमने देखा है कि ब्लड जब लेने जाते हैं या उनको, या तो वहाँ पे तुरंत मिलता नहीं है, तो एक ब्लड डोनेशन का मकसद ये रहता है कि हम स्टोर करते हैं, जब भी किसी को नीडी को चाहिए होता है, जैसे कि किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में किसी पेशेंट को चाहिए होता है, तब किसी यहाँ वहाँ जो है ना जाना ना पड़े, जो है ना पास की जो है ना ब्लड बैंक जो भी रहती है वहाँ पे, उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ जो है ना सफिशिएंट अमाउंट ब्लड स्टोर रहता है उनके बैंक्स में, है ना, तो वो रिलीज कर देते हैं। तो कभी भी आप देख सकते हो कि जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें काफ़ी खून बह जाता है वहाँ पे, तो एमरजेंसी वो लाइफ सेव करता है। पब्लिक अवेयरनेस, मैंने बोला आज भी कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है सबको, कि आज ब्लड डोनेशन देने से कोई, जितने भी हमारे पेशेंट्स, जितने भी लोग डोनर्स यहाँ पे आए हैं, सारे जो है ना सही सलामत वापस जो है ना घर भी गए हैं, तो ब्लड डोनेशन से कोई वो नहीं है। रिगार्डिंग यहाँ पे सारे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आईसीयू की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है, एनआईसीयू की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारे पास जो है ना ऑपरेशन थिएटर्स के सुविधाएं भी हैं, सीजेरियन हो या डॉटवेल डिलीवरी हो, ठीक है, वो भी सुविधाएं हैं, और सारे जनरल सर्जरीज के लिए भी सुविधाएं हैं। वैसे हमारा कोशिश यही रहेगा कि ये हम हर दिन अपग्रेड करें अपने आप को, कि मेडिकल फैसिलिटी ऐसे एक चीज़ है कि डेली डेली जो है ना अपग्रेड करने से ही जो है ना लोगों को जो है ना बेहतर के बेहतर सर्विसेज जो है ना दिए जा सकते हैं। वैसे ब्लड डोनेशन की रिगार्डिंग मेरा मैसेज यही रहेगा कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को हेल्प करता है तो यही हेल्प कर दे सकते हैं कि ब्लड डोनेशन। एक्चुअली ब्लड डोनेट कैंप था आज मिनर्वा हॉस्पिटल में रेड क्रॉस की तरफ से, और 50+ ब्लड यूनिट हो चुका है डोनेट। तो हॉस्पिटल में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का एम क्या है सर? सर, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रिगार्डिंग किया है हम लोगों ने, और
नियर बाई के जो भी हमारे जो लोग डॉक्टर्स को दिखा नहीं पाते हैं पर मनी के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, तो वो यहाँ आ सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं फ्री में। इसलिए लगभग कितने लोगों ने आज ब्लड डोनेशन किया? 50+ यूनिट्स ब्लड डोनेट हो चुका है। इस मैसेज को आप डिलीवर करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के लिए? मैम, मैं एक्चुअली सर ये चाहता हूँ कि सब लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिसका HbA1c 12 पॉइंट से ऊपर है और वेट 45 kg से ऊपर है। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता, ब्लड फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं, देना तो मेंस को ही पड़ेगा। मिनर्वा हॉस्पिटल में किस किस तरह की फैसिलिटीज लोगों को मिलने वाली है? सर ऑल टाइप एमरजेंसीज लाइक एक्सीडेंटल, रोल एक्सीडेंटल, सर्जरी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड सारा कुछ होगा। और भी हॉस्पिटल्स पलवल में चल रहे हैं जी, क्या स्पेशल आप देंगे? सबसे बेस्ट सर्विसेज एंड मिनिमम। आज सुशासन दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप, शुगर का और बाकी टेस्ट भी रखे गए हैं। यहाँ पे गायनी और मेडिसिंस ऑर्थो सभी प्रकार के डॉक्टर्स हैं सभी तरह के, और सभी यहाँ पे लगभग काफ़ी अच्छी OPD रही है आज की। ब्लड की रिक्वायरमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह की डिस्ट्रिक्ट में ब्लड की रिक्वायरमेंट? ब्लड की रिक्वायरमेंट का ये है कि थैलेसीमिया बच्चे होते हैं जो, उनको ब्लड की हर महीने ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्लड वैसे तो बहुत हार्डली ग्रुप्स की प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन पलवल का एक बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पे ब्लड की कभी भी थैलेसीमिया बच्चों को, लगभग 46 बच्चे हमारे पास हैं थैलेसीमिया में, और उन बच्चों को रेगुलरली ब्लड मिल रहा है हर महीने टाइम टू टाइम। आज के इस प्रोग्राम में जिला प्रशासन के भी अधिकारी पहुँचे हैं? आज सुशासन CM साहब के जो सहयोगी हैं वो आज हमारे यहाँ आए थे एज ए चीफ गेस्ट, और उन्होंने अपना आकर बड़ा अप्रिशिएट किया है कि बड़ा अच्छा सुशासन दिवस पे आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, हेल्थ चेक लगाया, बाकी अच्छी सेवाएं दी हैं। जिंदल सर, जिस तरीके से लोगों में एक वहम होता है कि ब्लड डोनेट करने से दिक्कतें होती हैं, शरीर को नुकसान होता है, उन पर कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर ये लोग वही लोग करते हैं जिनको अपना ना तो करना है ना करने देना है, और हर कोई मतलब 18 साल के बाद हर बंदा ब्लड दे सकता है, और उसका HbA 12 होना चाहिए और 45 से ऊपर वेट होना चाहिए, और ब्लड देने से 3 महीने में ब्लड देते हैं तो एक अपनी जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और इसमें कहा जाता है कि डॉक्टरों का मानना भी है कि हार्ट अटैक होने के बहुत कम चांसेज होते हैं। आप अधिकतर ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करते रहते हैं, तो ऐसे में अवेयरनेस किस तरह की है डिस्ट्रिक्ट पलवल? पलवल में अवेयरनेस ये है कि मेरे ख्याल से लगभग सारे NGO ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और उसी की एक कड़ी में आज मिनर्वा हॉस्पिटल ने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जीते जी रक्तदान, जाते जाते। मेरा नाम मिस रिंकी गुप्ता है और मैं यहाँ पे अभी क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की तरह काम कर रही हूँ। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है IIHMRDA से, और मैं इस मिनर्वा हॉस्पिटल से फ्रॉम द बिगनिंग जुड़ी हुई हूँ एज अ क्वालिटी मैनेजर। एंड मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी पेशेंट को जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया, और ब्लड डोनेट करने से किसी तरह की कोई दिक्कतें तो फेस नहीं करनी पड़ती? हमें इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पेशेंट को ब्लड डोनेट करने से पहले, ब्लड डोनेट करने के बाद किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, इसलिए हमने उनके लिए आफ्टर ब्लड डोनेशन रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम करके रखा है। और हमारे पास 50+ अभी तक डोनेट हो गए हैं, लाइक विच इज़ अ गुड नंबर बिकॉज मिनर्वा इज जस्ट अ स्टार्टअप एंड वी ऑल आर द बैकबोन्स दोज हु आर वर्किंग ओवर हियर डे एंड नाइट। किसी तरह की कोई दिक्कतें हो सकती हैं ब्लड डोनेट करने से? दिक्कतें अगर आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में केयर विद द हैंडल एंड एजुकेटेड पर्सन, आप रेड क्रॉस सोसाइटी और मिनर्वा हॉस्पिटल में जो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख में काम करेंगे, तो आपका स्क्रीनिंग से लेके डोनेशन तक के पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ऐसे भी कई जगह हैं जहाँ पे रक्तदान करने के समय पे यूज्ड सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है, तो मैं यही एक मैसेज डिलीवर करना चाहूँगी कि आप कहीं पे भी रक्तदान करें, कहीं पे भी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपको सिरिंज यूज़ हो रही है वो यूज्ड ना हो, आपके सामने ही वो पैकेट फटा हो और आपके सामने ही एक नई सिरिंज यूज़ हो रही हो, ये हर एक नागरिक का हक है। पेशेंट जो हैं उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ आप स्पेशल फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कराएंगे?
जैसे कि आप ये जानते हैं कि मिनर्वा हरियाणा का एक पार्ट है, तो यहाँ पे HBsAg, HIV, दीज आर द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हमने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की तरह भी मैं एक काम कर चुकी हूँ एक हॉस्पिटल में, तो मैंने इस चीज़ का बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखा है कि कोई भी ऐसे ब्लड रिलेटेड इन्फ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कोई भी ऐसी डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो पेशेंट का, और वी विल मेक श्योर कि इस तरीके के बैड प्रैक्टिसेस हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।